हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल बिजटेक में। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर व्हाट्सएप वेब के बारे में। जी हाँ, जैसे जानते हैं व्हाट्सएप वेब काफ़ी यूज करने के लिए आता है कि आपने व्हाट्सएप को दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं या दूसरे अपने डेस्कटॉप या पीसी पर आप लॉगिन कर सकते थे। बट अब यहाँ पर एक नया अपडेट निकल के आया है कि आपने व्हाट्सएप से अपने दूसरे डिवाइस मतलब दूसरे फ़ोन भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपडेट कैसा होने वाला है मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। अभी तक हमारे चैनल बिजटेक को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं चाहे आपका आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड हो, और ये अपडेट सब में सेम आया हुआ है। तो आपको अपना फोन लेना है, और अगर आप टेबलेट में यूज करना चाहते हैं या एंड्रॉइड फोन में यूज करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड फोन में अपने व्हाट्सएप को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। कोई भी आपको वेब जो है ओपन नहीं करना है, और आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने दूसरे डिवाइस में जाना है, और जैसे कि जानते हैं दूसरे डिवाइस में जो आप फ्रेंड्स जाते थे तो वहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप अगर एंड्रॉयड यूजर हैं या iOS यूजर हैं तो उनमें लिंक डिवाइसेज का ऑप्शन सेम होता है। तो आप जब लिंक डिवाइसेज पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका यूज व्हाट्सएप ऑन अदर डिवाइसेज, जिसके अंदर आपको मिलता है यूज व्हाट्सएप वेब डेस्कटॉप एंड अदर डिवाइसेज। पहले अदर डिवाइसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा था, और अदर डिवाइस मतलब होगा कि आप किसी भी फोन में दूसरे फोन में आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपल फ्रेंड्स, आपको आपको दूसरे फोन में जब वेब पे जो आपको लॉगिन करना होता है उस पर यहां पर लिंक डिवाइस क्लिक करते हैं। अब क्या करना है, जैसे मैं यहां अपना लॉगिन कर देता हूं फोन में, जिस फोन या जिस टेबलेट में आपको यूज करना है वहां पर आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, आपको कोई भी लॉगिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस व्हाट्सएप को इसमें वेब के लिंक थ्रू यहां पर करेंगे और यहां पर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर एग्री टू कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद कुछ इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। आपको अगर ओपन नहीं हो रहा है लिंक डिवाइस का ऑप्शन, इस तरह से क्यूआर कोड ओपन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, आपको वहां पर थ्री डॉट पे जाना है। जिसमें यहां पर मान लो बैक करता हूं, एक बार फिर से दिखा देता हूं फ्रेंड्स, यहां पर इस तरह से कट करते हैं, और इसके बाद मान लो मैं यहाँ पर एग्री कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पे जाएंगे और रजिस्टर न्यू अकाउंट वगैरह क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से आ जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर थ्री लाइन्स पे आप क्लिक करते हैं तो लिंक डिवाइस का ऑप्शन आ जाता है, इसके अंदर ही आपको ये क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्यूआर कोड को हम करते हैं स्कैन, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन है, यह देखिए यहाँ पर लॉगिन हो गया, तो इसमें देखेंगे इस डिवाइस में ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा आपका व्हाट्सअप, और ये व्हाट्सएप लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा सा आपका जितना डेटा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे सिंक होगा, और उसके बाद आपका व्हाट्सएप बिल्कुल जैसे आपके पुराने फ़ोन में यूज करते थे उसी तरह बिल्कुल आपके व्हाट्सएप दूसरे फ़ोन में वेब के थ्रू यहाँ पर लिंक हो जाएगा। डिवाइस जो लिंक है ऑप्शन है उससे यहाँ पर लिंक हो जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी अगर मैसेज करना चाहते हैं किसी पर्सन को, यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका सिंक होने में। उसके बाद मैसेज वगैरह भी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं इस तरह से, और अच्छा भी लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैसेज भी कोई बग नहीं आता इसमें और ना ही लैग कोई है, और इस तरह से आप डिवाइस को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, अगर आप फुल डिवाइस को ओपन करते हैं अपने व्हाट्सएप को, तो इसके अंदर आपको सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग के अंदर आप अपने अकाउंट्स को पूरा फुल मैनेज कर सकते हैं जैसे मैनेज करना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लिंक डिवाइस वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने, अगर आप इसको लॉगआउट करना चाहते हैं अपने दूसरे डिवाइस से, जैसे होता कि ना इसमें अगर आप इंटरनेट भी बंद करना चाहते हैं या इसको लॉगआउट करना चाहते हैं तो लॉगआउट भी सिंपल कर सकते हैं। अगर मैं देखिए फ्रेंड्स दूसरे फ़ोन का, अपने मेन फ़ोन का अगर इंटरनेट यहाँ पर बंद भी कर देता हूँ तो उसके बाद भी यहाँ पर ये डिवाइस में चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर जो अपना फ़ोन है जिसमें हमने वेब लिंक से कनेक्ट किया हुआ है उसमें भी ये बिल्कुल बाकायदा चल रहा है, कोई भी इंटरनेट से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं दूसरे के यहाँ पर मैसेज कर सकता हूँ, और यहाँ देखिए फुल मैसेज भी जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, सामने वाला मैसेज भी देख सकता है, सब कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से हो रहा है। अगर आप इसको लॉगआउट करना चाहते हैं थ्री डॉट पर जाएंगे, सेटिंग पर जाएंगे, उसके बाद अकाउंट का ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर लॉगआउट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप टाइप करते हैं, यहाँ पर लॉगआउट करेंगे तो आपका ये वेब का जो ऑप्शन है वो लॉगआउट हो जाए दूसरे फ़ोन से इस तरह से। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा अपडेट है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।